पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबरों के साथ। देश के वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया है। हालांकि बजट से पहले लोगों को काफी आशाएं थी, लोगों के मुताबिक इस बजट से लोगों को कुछ खास खुशी नहीं हुई है। बता दें कि कपिल अग्रवाल के मुताबिक बजट निराशाजनक रहा। 5 से 10 लाख रिटर्न्स का स्लैब को भी दोहराया गया है जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि टैक्सी बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी मुश्किलें हैं और गाड़ियों के रेट बढ़ाए गए हैं। 65,000 करोड़ हेल्थ वर्कर्स के लिए रखा गया है लेकिन इसका लाख जो लाभ है वो किसको मिलेगा ये नहीं पता। और देश के वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया है। आपको बता दें कि जो बजट सत्र है वो आज से शुरू हो चुका है और जो बजट है पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये बजट पेश किया गया है। हालांकि बजट पेश होने से पहले लोगों को काफी सारी उम्मीदें थी इस बजट को लेकर, लेकिन जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है उसके बाद जो निराशा वाला माहौल लोगों के बीच है, आपको बता दें कि लोगों के मन में इस बजट को लेकर कोई खास खुशी नहीं देखी गई है। कपिल अग्रवाल के मुताबिक बजट निराशाजनक रहा है। 5 से 10 लाख रिटर्न्स का स्लैब को भी दोहराया गया है जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि टैक्सी बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी मुश्किलें हैं और गाड़ियों के रेट बढ़ाए गए हैं। 65,000 करोड़ हेल्थ वर्कर्स के लिए रखा गया है लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा ये अभी पता नहीं है। और 65,000 करोड़ का बजट जो है वो हेल्थ वर्कर्स के लिए रखा गया है। कोरोना काल चल रहा था जिसके बाद अब ये बजट पेश किया गया है जिसमें 65,000 करोड़ रुपए हेल्थ वर्कर्स के लिए रखा गया है लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये अभी साफ नहीं हो पाया है, ऐसा कहना है कपिल अग्रवाल का। बजट पेश हो जी पेट्रोल दीमत बहुत वादिया ने जिड़िया अगे साड़ी मार्च तो बाद सी हर चीज का असर पैना सा किराए बढ़ जाने हर चीज बढ़ जानी घर का अपना स्कूटर मोटरसाइकिल रखे सारा सारा बजट जरा खराब हो गया। दूजी गल जरा एक उन्हें किया इनकम टैक्स का मैं पढ़िया वा अं मुलाजम आ वो चाहिए इन्हों 65 साल का 75 साल की उम्र बंद होंगी नहीं गई जी इनकम टैक्स तो छूट दी आ इस करके 65 साल चाहिए आ। एक सीनियर सिटीजन सरकार को चाहिए वा जिन्हों बंद को थोड़ा बहुत पैसा है उन्होंने ब्याज 9-10% चाहिए जो बजट गया है कुछ नहीं है बजट आम लोगों में थोड़ी बनता वा ये तो तगड़े 2-4 घरारे है उन्होंने मुताबिक ही बनता वा प्लस ये है कि हूँ डीजल पेट्रोल फिर बढ़ाता है कोविड के पिछले 10 रुपए सैस लाया कि हूँ फिर लाता वा बस 100 तक पहुंचे समझो मोदी है तो मुमकिन है बाकी किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं इन्नी कोविड करके इना लक टुटा पाया लोगों का किसी किस्म की कोई राहत। और पंजाब सरकार ने आज पहली और दूसरी कक्षा के लिए स्कूल खोले हैं। आज स्कूलों में छोटे बच्चों को देखकर शिक्षक बहुत खुश हुए। बता दें कि वहीं इस मौके पर अमृतसर के मॉल रोड पर स्थित प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई। साथ ही कहा कि पंजाब सरकार के जारी किए गए दिशा निर्देश के बाद आज पहली और दूसरी श्रेणी के स्कूल खोले गए हैं और स्कूल में आने वाले बच्चों का केक काटकर स्वागत किया गया। बताते चले कि हाथों को सैनिटाइजर से साफ कराया गया। बच्चे भी अपने घरों से अपने साथ सैनिटाइजर लेकर आए थे और बच्चों के माता पिता भी बहुत खुश दिखाई दिए। हम केवल एक कक्षा में 15 से 20 बच्चे बैठाए जा रहे हैं। हालांकि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन किया जा रहा है और आज से कक्षा एक और दूसरी श्रेणी के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया गया है। बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। पढ़ाते ने टीचर पढ़ाते ने वधिया तरीके ना पढ़ाते ने मारते तो नहीं है किस तरह का लगता पे स्कूल आके काफी लंबे समय बाद स्कूल आए जे अच्छा लग रहा। अज मिति 1 फरवरी नू स्कूल प्री प्राइमरी फर्स्ट और सैकंड क्लासा जड़िया उन्होंने असी अज आई हैं और उन्हों का असी स्वागत किया है और उन्होंने जो पेरेंट्स भी है वह काफी खुश हैं भी अज काफी अरसे बाद तकरीबन मार्च तो लैके हुण तक स्कूल बंद सन और उन्होंने पेरेंट्स भी काफी हुण खुश हैं और जिहड़े बच्चों ने प्रोपर मास्क पा के आए हुए सन इस संबंधी इन्हां दे क्लास इंचार्ज जिहड़े हैं बच्चों के उन्होंने मापिओ नूं उन्हां दे पेरेंट्स नूं हिदायत की हुई सी कि बच्चों नूं मास्क लगा के भेजना है और जेकर कुछ बच्चों ने मास्क नहीं लगाए सन असीं स्कूल वालों उन्होंने प्रोवाइड कराए।
और 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड के बाद जहां किसान आंदोलन को तुरंत बाधित करने की कोशिश की गई, वहीं आज श्रोमणी अकाली दल ने आंदोलन को फिर से तेज करने का फैसला किया है। जिला अध्यक्ष तीरथ सिंह महला और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमरजीत सिंह ने आज दिल्ली आंदोलन के लिए किसानों की एक बड़ी सभा को रवाना किया। वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष तीरथ सिंह महला ने कहा कि किसानों का संघर्ष हम सभी संघर्ष है और हम इसे पक्षपात से परे मजबूत बनाने के लिए दिन रात काम करेंगे। हालांकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के बाद किसानों पर किए दर्जन मामले बहुत ही निंदनीय है। और 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड के बाद जहां किसान आंदोलन को तुरंत बाधित करने की कोशिश की गई थी, उसी के ठीक बाद अब शिरोमणि अकाली दल ने आंदोलन को फिर से तेज करने का फैसला किया है। जिला अध्यक्ष तीरथ सिंह महला और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमरजीत सिंह ने आज दिल्ली आंदोलन के लिए किसानों की एक बड़ी सभा को रवाना किया है। बता दें कि इस मौके पर जिला अध्यक्ष तीरथ सिंह महला ने कहा है कि किसानों का संघर्ष हम सभी का संघर्ष है और हम इसे पक्षपात से पूरे तरीके से मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हालांकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान कई किसान ऐसे थे जिन पर मामला दर्ज किया गया था, जो कि काफी निंदनीय है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि जिला अध्यक्ष तीरथ सिंह महला, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमरजीत सिंह ने आज दिल्ली आंदोलन के लिए किसानों के एक जत्थे को दिल्ली रवाना किया है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को जिस प्रकार ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी और किसानों के साथ जो व्यवहार किया गया, जितने मामले दर्ज किए गए हैं, ये काफी ज्यादा निंदनीय है और शिरोमणि अकाली दल ने खुद ये फैसला लिया है कि एक बार फिर से एकजुट होकर किसान आंदोलन को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा, जिसके लिए तमाम किसानों को दिल्ली की तरफ कूच किया गया है आंदोलन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। दिल्ली नू चलिया हल्के बागे पुराने तो सरदार जगतार सिंह जी रोडे साहब मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपराला किया, दास नू कहा, सरदार अमरजीत सिंह जिहड़े एसोसीएशन के प्रधान ने, आरती एसोसीएशन के, उन्होंने उपराला किया, दास ने उपराला किया, सरदार जगतार सिंह जी रोडे ने उपराला किया। बहुत वड्डी तादाद दे विच काफला जिहड़ा हल्के बागे पुराने तो तुरिया, जिहड़ा कि सेंटर की सरकार तार पीड़ो करना चाहती सी। और गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली काटने के बाद सुबह के समय पानी बंद किया गया, तो वहीं गाजियाबाद नगर निगम जबरन पानी के टैंकर वापस ले जाने लगा। बता दें कि टैंकर वापस ले जाने के दौरान जब महिला किसानों ने ट्रैक्टर के आगे लेटकर प्रशासन के इस रवैये का विरोध जताया, तो इस प्रकार से आपको यह बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली काटने के बाद सुबह के समय पानी बंद किया गया है। जहां गाजियाबाद नगर निगम जबरन पानी के टैंकर को वापस ले जाने लगा, तो किसान प्रदर्शन के दौरान जो वहां पर महिलाएं मौजूद थी, उन्होंने वहां पर खड़े होकर प्रदर्शन किया और इस फैसले का पुरजोर विरोध किया। और गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली काटने के बाद सुबह के समय पानी बंद किया गया और गाजियाबाद नगर निगम जबरन पानी के टैंकर को वापस ले जाने लगा। इस दौरान महिलाओं ने इस रवैये का पुरजोर विरोध किया है। महिलाओं ने कहा है कि इस प्रकार का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर मोगा से है, जहां पल्प पोलियो कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार के स्लोगन में इस अभियान की शुरुआत की गई। बता दें कि 1,12,000 बच्चों को पोलियो का बूंद पिलाया जाएगा। मोगा में 528 पोलियो बूथ लगाए गए हैं, वहीं 858 टीमों का गठन किया गया है 882 टीमों का गठन किया गया है और अभियान से सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से आज मोगा में 3 दिन का पोलियो कैंप लगाया गया। इसकी शुरुआत मोगा के डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने रिबन काट कर किया। बताते चले कि 3 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों को ये बूंद पिलाई जाएगी और साथ ही साथ उन्होंने अपील की है कि जब स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर में जाकर
पोलियो की बूंद पिलाने आए तो लोग टीम का पूरा सहयोग करें और अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप जरूर पिलवाएं। और आपको बता दें कि मोगा से यह खबर, जहां पल्प पोलियो कैंप का आयोजन किया गया और साथ ही दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार के स्लोगन के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई। 1,12,000 बच्चों को पोलियो का बूंद पिलाया जाएगा, जिसमें कि 528 पोलियो बूथ लगाए गए हैं और 882 टीमों का गठन कर इस अभियान से सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से आज मोगा में 3 दिन का पोलियो कैंप लगाया गया। इसकी शुरुआत मोगा के डिप्टी कमिश्नर संदीप हंत ने रिबन काट कर किया। बताते चले कि 3 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों को ये पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। ऐसे में लोगों से ये भी अपील की गई है कि जब स्वास्थ्य कर्मी आपके घर घर आकर आपके बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाए तो उनका सहयोग जरूर करें और अपने बच्चे को पोलियो की ड्रॉप जरूर पिलाए, ताकि जो पोलियो की बीमारी है उससे उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या आगे चलकर ना हो। ऐसे में जरूरी है कि 3 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप जरूर पिलाया जाए। डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने खुद रिबन काटकर इस आयोजन का शुभारंभ किया। दो बूंद हर बार जरा पल्स पोलियो का लगातार एक कैंपेन चल रहा है, तो उसकी लगातारता च 3 दिन का कैंपेन 30, 31 ते 1 तरीक का यह चलेगा मोगा जिले विच। ते इहदे विच तकरीबन जिहड़े है 528 बूथ सैटअप किए गए, जिहदे विच तकरीबन 1,12,000 जिहड़े बच्चे कवर किए जाणगे। ते इहदे विच टीम्स टोटल जिहड़ियां लगियां है 882 है एंड इन्हां ते 114 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। तो हर बार की तरह इस बार फिर जिहड़ा हैल्थ डिपार्टमेंट वल्लों इह जिहड़ा कैंपेन पल्स पोलियो का पंजाब दे निर्देशां अनुसार 3 दिनों का पोलियो कंपेन चलाया जा रहा है, जिंदे च 31 तरीक नूं असीं बूथ दे उत्ते सारयां नूं अपील भी करदे हां कि आके अपने बच्चों नूं दवाई पियाओ और 2 दिन हाउस टू हाउस जिहड़ियां टीम्स जाणगियां। टोटल अज 538 बूथ बनाए गए ने और 1,12,638 बच्चे जिहड़े है वह टोटल 3 दिनों च असीं मोगे च कवर करांगे। और सारयां नूं असीं अपील करदे हां कि 0 तों 5 साल के बच्चे जिन्ने भी ने वध तों वध अज आके बूथ च दवाई पिलाण। और अमृतसर में रेसकोर्स रोड स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने केंद्र सरकार से आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 6 महीने के कोर्स के बाद सर्जरी करने की छूट देने का विरोध जताया है। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं इस मौके पर आईएमए के प्रधान कुलदीप सिंह ने केंद्र सरकार से आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 6 महीने के कोर्स के बाद सर्जरी करने की छूट देने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार मिक्सोपैथी को मॉडर्न एलोपैथी के साथ मिक्स कर रही है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टरों को 6 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स करवाकर उन्हें सर्जरी करने की अनुमति दी गई है। आईएमए के डॉक्टरों ने कहा है कि सरकार बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लागू कर रही है, इससे चिकित्सा विभाग में भारी उथल पुथल मच जाएगा और मिक्सोपैथी का नियम मरीजों पर तो भारी पड़ेगा ही, साथ ही इससे डॉक्टरी पेशे पर भी सवालिया निशान खड़ा होगा। लड़ी बार हड़ताल कर रहे हैं मिक्सोपैथी के खिलाफ। मिक्सोपैथी तुम्हें पता ही होगा भी नवंबर च 20 नवंबर 2020 च सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी आयुष मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन कढ़िया भी जिहड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर ने वो जनरल सर्जरी भी कर सकते ने एटलीस्ट 60 फील्ड 58 तो लैके 60 तरह की जनरल सर्जरी कर सकते हैं। हूं सानू ए नहीं पता लगता कि सर्जरी किस बेस से उन्होंने अथॉरिटी किने दिती है ते क्यों दिती है। और आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 6 महीने का कोर्स करने के बाद सर्जरी करने की जो अनुमति सरकार की तरफ से मिली है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताल डॉक्टरों की तरफ से किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रकार का फैसला न केवल मरीजों के लिए नुकसानदायी होगा, उनका यह भी कहना है कि इससे जो डॉक्टर पेशा है उस पर भी सवालिया निशाना खड़ा होगा, जिसको लेकर ये प्रदर्शन जो भूख हड़ताल किया जा रहा है लगातार आगे भी जारी है। और जालंधर की शहीद बाबू लाभ सिंह नगर में गुंडागर्दी का नाच देखने को मिल रहा है। एक युवक को घर से बुलाकर दर्जन भर से भी अधिक युवाओं ने तेजधार हथियारों से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल युवक को निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि युवक अभी बयान देने की हालत में नहीं है,
बयान दर्ज करने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। घायल युवक के पिता ने बताया कि वे सभी युवक उनको धमकाने के लिए उनके घर आते थे। साथ ही कहा कि उनके बेटे की किसी से भी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। बताते चले कि पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन में जुट गई है। जालंधर की एक खबर, जहां शहीद बाबूलाल सिंह नगर में गुंडागर्दी का नाश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एक युवक को घर से बुलाकर दर्जन भर से भी अधिक युवकों ने तेजधार हथियार से उसे घायल कर दिया। आप खुद अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से भारी संख्या में वहां पर लड़के मौजूद हैं और वो लगातार हमला कर रहे हैं तेज धारदार हथियार से। इसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि युवक अभी बयान देने की हालत में नहीं है क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। बयान दर्ज कराने के बाद ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। घायल युवक के पिता ने बताया कि ये सभी उनके घर पर धमकाने के लिए आते थे और साथ ही कहा कि उनके बेटे की किसी से भी कोई पुरानी रंजिश नहीं है। और बताते चले कि पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई की जाएगी वो युवक के बयान के बाद ही की जाएगी और मामले की छानबीन जो है वो की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। हमारे घर पे मारने के लिए आते थे हमारे मुंडे को, इसलिए वो घर से बाहर रहता था। 6 महीने से घर से बाहर रखा, डर के मारे घर में नहीं आता था। और वो अगर नहीं मिलता था तो हमें मारने आते थे। कई बार दिन में भी आए, रात को भी 11 बजे रात को, कभी 12 बजे 40-50 आदमी आ जाए, 10-20 आदमी आ जाए। आज तो सर साजन सफरी लेके गया उसको बुला के, और आगे बाबूलाल सिंह नगर में 6 नंबर गली के पास वहाँ 10-15 मुंडे मिलके उन्होंने ज्यादा मार दिता। वारदात ये हुई है कि एक लड़का है विशाल कांतास नगर का, उन्हें घरों बुला के लै गए लड़के, ते अगे जाके 4-5 लड़के वो लै गए घरों, अगे जाके 10-15 होर मुंडे से उन्होंने वो भारी मारकुट की। तो जिहड़ा लड़का आते सट्टा ज्यादा लगन करके तो जोशी हॉस्पिटल का एडमिट आ, तो जरा इस टाइम के उत्ते बयान देने दे अनफिट आ, ठीक है जी। डॉक्टर साहब ने कहा बयान देने दे अनफिट आ, तो फादर के बयान असी हाजिर किए हैं, वो मुताबिक जी अगली कार्रवाई असी कानूनी कार्रवाई अमल में लिया गई है। सर इन्होंने कोई पुराने रेंदी सी? देखो जी हाल तक वेरीफाई हो रहा सारी जिहड़ी भी गलबात हैगी असी सवेर तक सारी क्लीयर कर दूंगा। और हरियाणा शिक्षा विभाग ने आयोजित की जाने वाले 10वीं और 12वीं की कक्षा की प्रैक्टिस टेस्ट की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। बता दें कि इंटरनेट पर पाबंदी के कारण परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा के 17 जिलों में इंटरनेट पर प्रदेश सरकार ने पाबंदी लगाई है। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि इन परीक्षाओं के लिए बच्चे कक्षाओं में आए हुए हैं, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण इन परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित किया गया है। साथ ही उनका कहना है कि स्थिति सामान्य होने के बाद इंटरनेट चलेगा, उसके बाद परीक्षा की अगली तारीख घोषित की जाएगी। ट्वेल्थ के बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंगली बच्चों के एग्जाम्स थे, ताकि बच्चों की एक प्रैक्टिस हो। नॉर्मली जनवरी एंड से हमारे प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं, तो ये बोर्ड क्लासेस के लिए एक पैटर्न रहे थे। जिस बाद स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है, जाने के आदेश दिए हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोल दिए गए थे। बता दें कि स्कूल खोलने को लेकर विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि सरकार के दिशा निर्देश के साथ सभी स्कूलों को पहले सैनिटाइज किया गया, उसके बाद कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बच्चों को बैठाया गया।
और आज से प्रदेश भर के छठी से आठवीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोल दिया गया है, जिसके बाद स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है। लंबे समय के बाद आज से शिक्षा विभाग ने स्कूल खोले जाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि काफी लंबे समय के बाद अब स्कूलों को खोला जा रहा है, जिसमें कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को पहले खोला गया, उसके बाद बाकी के जो क्लासेस हैं छठी और आठवीं की उनको भी अब खोल दिया गया है। बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और जो स्कूल है उसकी तरफ से तमाम तैयारियां की गई है, कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, मास्क लगाकर बच्चे दिख रहे हैं, और ऐसे में सैनिटाइजर भी जो है बच्चों के पास उपलब्ध है। स्कूल में भी बच्चों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है, और साथ ही स्कूल जो है उसको भी सैनिटाइज किया गया है खोलने से पहले। और आज से छठी से आठवीं तक की सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोल दिया गया है, और 9वीं और 12वीं तक के स्कूलों को पहले ही खोल दिया गया। बता दें कि स्कूल खोलने को लेकर विद्यार्थियों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी लंबे समय के बाद अब दोबारा से विद्यार्थी अपने स्कूल आ पाएंगे और पढ़ाई कर सकेंगे। डेढ़ बजे तक कोरोना पॉजिटिव ऐसा तो अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया। और बाकी हमारा एक ऐप है, समीक्षा ऐप, जिसमें कि बच्चों का टेम्परेचर भी डेली नोट होता है, और उसमें वो दिखाया जाता है कि अगर बच्चे का 99 डिग्री तक टेम्परेचर है या उससे ज्यादा है तो उनको वापस भेज दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, पूरा बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है और कोविड के नियमों का पूर्ण पालन किया जा रहा है। तो तब स्कूल की क्या गाइडलाइन है, कितने दिन के लिए बंद होगा स्कूल? बंद होगा ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि एकदम से स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन पूरा उसको विवेक से कार्य करते हुए, जैसा अगर कोई बच्चे ज्यादा अगर होते हैं तो उसके अनुसार ही आगामी निर्देश तक बंद किया जा सकता है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी